जी आया नू, मेरे YouTube चैनल तुहाडा स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चना चाट, जो कि प्रोटीन से भरपूर और बहुत ही हेल्दी है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। ये इवनिंग स्नैक्स है, आप कभी भी खा सकते हो इसको, ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। सबसे पहले मैं चने बॉईल होने रखूंगी। चनों को मैंने 5 घंटे हो गए भिगो के रखा हुआ था और अब मैं इनको बॉईल करूंगी। एक बाउल चने लिए हैं मैंने, अब मैं इसमें पानी इतना डालूंगी कि मेरे सारे चने जो हैं पानी में अच्छे से डिप हो जाएं। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि चाट में हमें पानी की तो ज़रूरत है नहीं। और मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ, आपके जितना टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आप बना रहे हो उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। अब मैं इसको कुकर को बंद करके 4 विसल आने तक रखूँगी। 4 विसल आने के बाद इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखूँगी, उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। चने मैंने बॉयल कर लिए हैं, अब मैं इनका मसाला तैयार करूँगी। 1 कटोरी लूँगी, इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूँगी, आप कितने बना रहे हो, जैसे मैंने 1/2 चम्मच डाला है। इसी के साथ लाल मिर्ची भी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कितनी खाते हो, मैं 1 टेबलस्पून के करीब डाल रही हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1/2 चम्मच चाट मसाला। अब मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लूँगी इस तरह। एक तरह से इसकी एक पेस्ट तैयार हो गई है। अब मैं बनाना शुरू करूँ। गैस मैंने ऑन कर लिया है, मैं 2 टेबलस्पून के अराउंड ऑयल डालूँगी। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा सबसे पहले मैं इसमें थोड़ी सी हींग डाल दूंगी। इसी के साथ मैं लहसुन मैंने कूट के रखा हुआ है उसकी पेस्ट डाल दूंगी। इसको थोड़ा सा हमने भून लेना है ताकि इसका थोड़ा कच्चापन जो है वो निकल जाए। दो हरी मिर्च मैंने काट के रखी हुई है, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब जो हमारा ब्राउन हो गया लहसुन भी, मैं फ्लेम को लो कर दूंगी और मैंने जो ये पेस्ट बनाई थी मसाले वाली वो मैं इसमें डाल दूंगी सारी। अब फ्लेम हाई करके इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब जो हमारे मसाले हैं भून गए हैं, अब मैं इनमें जो मैंने चने बॉईल करके रखे थे वो ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारे मसालों की कोटिंग है वो सारे चनों के ऊपर आ जाए अच्छे से। दो तीन मिनट हम इसको फुल पे ही पकाएंगे। अब मैंने गैस बंद कर दी है, ये हमारे बिल्कुल रेडी हैं मसाले वाले चने। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। चने मैंने कर लिए थे, अब मेरे चने ठंडे हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कटा हुआ प्याज बारीक, 2 टमाटर काटे हैं मैंने उनको भी डाल दूंगी, 1 बारीक कटा हुआ आलू है और खीरा, 1 खीरा लिया मैंने। इसी के साथ मैं हरा धनिया भी ऐड कर दूंगी। च
चनों का नमक मैंने डाल दिया था, अब मैं थोड़ा नमक जो मैंने बाकी की चीज़ें डाली हैं उसका नमक मैं डाल दूंगी। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लेना और साथ में चाट मसाला। आप इसमें इमली की चटनी भी डाल सकते हो, मैंने हरी चटनी बनाई है तो मैं हरी चटनी ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। ये बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेस्टी चाट बनती है। एक नींबू का रस डालती हूँ मैं साथ में। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने सारा मसाला इसमें मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें थोड़ी सी सेव डालूँगी, इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। ये बहुत ही चटपटी बहुत ही टेस्टी स्नैक्स हैं। अगर आपके पास चने उबले हुए पड़े हुए हैं तब तो हमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं बनाने में। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसको एक बार घर पर जरूर ट्राई करें। आप भी खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच सके।